तो जामनगर महानगर पालिका ने योजना स्टेट कमिटी की बैठक में योजना सैद्धांतिक स्वीकार कर बैठक में भूगर्भ गटर सफाई गार्डन वर्कर्स वॉटर वर्कर्स रस्ताओं कामों वगैरह अंगे खर्च ने मंजूरी आप तरह हाड़काना कारखाना नजीक विस्तार में तथा महालक्ष्मी बंगलोज और ग्रीन सीटी विस्तार में भूगर्भ गटर नेटवर्क काम रूपया 1.54 करोड़ खर्च मंजूर कर। तो जामनगर महापालिका स्टेट कमिटी की बैठक में सवारे कमिटी चेरमेन अध्यक्ष स्थाने योजवामां आवी हती, जेमां लालपुर बायपास चौकड़ी विस्तार में ट्राफिक जाम अने अकस्मातो निवारवा माटे रूपया 65 करोड़ खर्चे फ्लायओवर बनावा माटेनी योजनाओ सैद्धांतिक स्वीकार करवामां आव्यो छे। आ उपरांत शहर विविध विस्तारों विविध शाखाओ हस्तकना कामों खर्च ने मंजूरी आपवामां आवी छे। तो स्टेट कमिटी चेरमेन मनीषभाई कटारियाए मंगलवार बैठक में चेर पर जाहिर कर्युं हतुं के द्वारका राजकोट तथा जामनगर लालपुर रोड तेमज जामनगर शहर में जीआईडीसी फेज 2 और फेज 3 तरफ भारी ट्राफिक भारण ने कारण तथा जामनगर शहर मुख्य उद्योगों माटे अंदाजे 4000 जेटला नाना मोटा कारखानाओ तथा इंडस्ट्रीयल पार्क आ विस्तार में आवेलो होय तो दररोज अंदाजे 1 लाख थी वधु कामदारों अने उद्योगकारों लालपुर बायपास जंक्शन पर पसार थता होय छे। आ स्थळे वारंवार ट्राफिक जाम अने अकस्मात की शक्यता निवारण माटे बायपास जंक्शन पर 4 लेन ओवरब्रिज बनावा रूपया 65 करोड़ खर्चनी योजना सैद्धांतिक स्वीकार करवामां आव्यो छे। आ फ्लायओवर माटे स्पेशियल पैकेज हेडर कॉर्पोरेशन ने सरकार माथी ग्रांट प्राप्त थाय ते माटे रजूआत करवामां आवी छे। सिविलना अन्य कामों मळी टोटल 4 करोड़ 63 लाख कामों ने मंजूरी आपवामां आवी छे। त्यारबाद वोर्ड नंबर 15 नू ग्रीन सीटी, वोर्ड नंबर 1 अने महालक्ष्मी बंगलो में स्ट्रॉम वोटर ड्रेनेजना काम माटे पण मंजूरी आपवामां आवी छे। एना सिवाय महत्वनो मुद्दो जेने गणी शकाय एवुं लालपुर बायपास उपर फ्लायओवर ब्रिज बनावाना कामनुं आयोजन लांबा टाइमथी आपणे करी रह्या छीए, जेनो अंदाजित खर्च लगभग 65 करोड़ रुपया छे, जेने आजे सैद्धांतिक स्वीकार करी अने स्टेडिंग कमिटी द्वारा गुजरात सरकारमां मोकली ग्रांटनी उपलब्धि थाय त्यारे एना उपर काम करवामां आवशे। हाँ, एने पण मंजूरी आपवामां आवी छे। बने माटे आजे गाड़ीनी खरीदी माटे पण मंजूरी આપવામાં આવી છે। આગળની વહીવટી પ્રક્રિયાઓ કરી અને એમના માટે ગાડી લેવામાં આવશે। અંદાજિત 50 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે છે, કારણ કે બંનેની ગાડીઓ 1-2 લાખ કિલોમીટર આસપાસ ચાલી ચૂકી છે, ઘણી જૂની થઈ ચૂકી છે અને ફરજિયાત બદલાવા જેવી થઈ ગઈ છે। એ કન્ફર્મ નથી પણ અત્યારે ઇનોવાનું આયોજન છે। હર્ષલ ખંડેડિયા સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ જામનગર।